अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आपकी टीचर। आज का जो हमारा सबक है वो है हरूफ तहजी। हरूफ तहजी की जो तादाद होती है वो होती है 37, यानी कि 37। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की तादाद होती है 26, वैसे हरूफ तहजी की तादाद 37 होती है। तो हरूफ तहजी को हम एक एक यहाँ पे पढ़ लेंगे। अलिफ से स्टार्ट करते हैं। अलिफ, बे, पे, ते, ते, से, चीम, चीम, हाई, खाई, दाल, दाल, जाल, रे, दे, जे, जे, सीन, शीन, सौर, दौर, तोय, जोय, एन, गैन, फे, कौफ, कीफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमजा, या और या। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो नुक्ते। हरूफ तहजी को हम फिर से एक बार दोहराएंगे। अलिफ, बे, पे, ते, ते, से, जीम, चीम, हाई, खाई, दाल, डाल, जाल, रे, दे, जे, से, सीन, शीन, सौर, दौर, तोय, जोय, एन, गैन, फे, कौफ, कीफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमजा, या और या। ठीक है, तो अब हम वो नुक्ते इनमें से पढ़ेंगे जिनकी शक्ल एक जैसी है और नुक्ते उनके अलग अलग हैं। जैसे ये वो हरूफ है जिनकी शक्ल एक जैसी है। ठीक है, इनकी शक्ल आप देखेंगे बिल्कुल एक जैसी है। नुक्ते डाल के इनकी जो आवाज़ है वो चेंज हो जाती है। जैसे बे, पे, ते, ते और से, ये वो हरूफ है जिनकी शक्ल एक जैसी है और इनके नुक्ते हैं जो अलग अलग हैं। वैसे ही और कुछ हरूफ है जैसे जीम, चीम, हाई, खाई। अगर इन पे हम नुक्ते नहीं रखेंगे तो इनकी शक्ल ये सेम है, फिर नुक्तों के बिना ये सेम है। जब उनको नुक्ते डालते हैं तो उनकी जो आवाज़ है वो चेंज हो जाती है। वैसे ही दाल, दाल, जाल और रे, बे, जे, से, सीन, शीन, इसको अगर हम नुक्ते नहीं रखेंगे तो ये सेम हरू बनेंगे। नुक्ते डाल के इनकी आवाज़ चेंज हो जाती है। सौर, दौर, तोय, जोय, आइन, गाइन, कीफ और गाफ, ये ऐसे हरूफ हैं जिनकी शक्ल अलग अलग है। शक्ल इनकी सेम है लेकिन इनके जो नुक्ते हैं वो अलग अलग है। अब हम आपको बताएंगे वो हरूफ जो एक नुक्ते वाले हरूफ होते हैं, वो है बे, जीम, खाई, जाल, जौद, जोई, जे, गाइन, फे और नून। ये वो हरूफ है जिनको एक नुक्ता है, जो एक नुक्ते वाले हरूफ है। अब है दो नुक्ते वाले हरूफ, जिनको दो नुक्ते होते हैं, वो है ते और कौफ। अब है तीन नुक्ते वाले हरूफ, जिनको तीन नुक्ते होते हैं, वो है पे, से, चीम, से, तीन नुक्ते वाले हरूफ आप फिर से सुनेंगे। पे, से, चीम, से, टीम, से और शीन। कंक्लूड करो। कंक्लूड। उम्मीद है कि आपको ये सबक पूरा समझ आया होगा। आप इस सबक को अपनी उर्दू की किताब से फिर दोहराएंगे। थैंक यू।